हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एसके गाइडेंस। आज हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में। ये अराउंड 87,060 वैकेंसीज निकली है फ्रॉम श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था दिल्ली नोटिफिकेशन। अभी हम डिटेल में देख लेते हैं ये पोस्ट के बारे में एंड आगे हम देखेंगे कि कैसे हमें फॉर्म फिलअप करना है इन डिटेल। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी कोई भी नया वैकेंसीज आएगा एंड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है, जैसे टीचर्स, अकाउंटेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड अदर पोस्ट के लिए। ये ऑफलाइन मोड है, आपको फॉर्म पोस्ट करना होगा एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है जॉब। ठीक है, इसकी लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की 13 सितंबर 2017। इसका जॉब लोकेशन है इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया आप कहीं से भी इसे अप्लाई कर सकते हो पोस्ट के लिए। ओके, ये देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन से पोस्ट के लिए क्या आपका बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए। देखिए, अगर आप अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3,820 एंड इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बीकॉम, एमकॉम, बीसीए, पीसी, डीसीए फ्रॉम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम मार्क्स। ठीक है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। और ये सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट्स है, मिनिमम एज है 18 ईयर एंड मैक्सिमम है 40 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। देन सेकेंड है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वैकेंसीज है 764 वैकेंसीज है। एनी ग्रेजुएट एंड डिग्री अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास डिग्री है या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन थर्ड है कंप्यूटर ऑपरेटर, इसकी टोटल वैकेंसी है 7,640। इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास एंड आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। देन फील्ड ऑफिस के लिए आपको अगर अप्लाई करना है देन उसकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 742। इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा और ITI फ्रॉम एनी ब्रांच। ओके, देन मैनेजर के लिए 760 पोस्ट है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। मेडिकल असिस्टेंट के लिए 2,830 पोस्ट है, उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए GNM, ANM, B.SC नर्सिंग। ओके, देन नर्स मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 13,960 पोस्ट वैकेंट है, इसमें आपका 10th पास होना चाहिए, मिनिमम 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिस स्टाफ के लिए 17,110 पोस्ट खाली है, आप इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12th पास। ओके, देन टीचर के लिए 18,100 वैकेंसीज हैं, BSc, MSc, BA, MA, BSW, MSW, BM, MBA, BTEC, MTEC, B.ED, D.ED कोई भी कोर्स अगर आपने इसमें से किया होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो टीचर के पोस्ट के लिए। टीम लीडर के लिए 2,830 पोस्ट हैं, ग्रेजुएशन आपने की होगी या डिप्लोमा किया होगा किसी भी ब्रांच से तो आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल हेल्पर के लिए 18,500 पोस्ट है, इसमें क्वालिफिकेशन है मस्ट हैव पास ITI ऑल ट्रेड फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। ओके, टोटल हो गया 87,060 पोस्ट खाली है। एप्लीकेशन फ़ी अगर आप ST SC कैटेगरी में आते हो तो आपको 200 रुपीज़ भरना होगा एंड OBC या जनरल में आते हो तो 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटर्न टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू। ये जो आपका फॉर्म फिलअप करके हो जाएगा उसके 1 मंथ के बाद वेबसाइट पे लोग शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का डिटेल्स अपडेट कर देंगे तो आप वहाँ से देख सकते हो कि आपका डिटेल वेबसाइट से और कौन से डेट पे रिटर्न टेस्ट होगा वो भी वो लोग पब्लिश कर देंगे। देन वहाँ पे ही से आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा, देन आपको वहाँ से डाउनलोड करके लेना होगा। सो ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पे जाके कि क्या अपडेट्स आई हैं। ठीक है, ये देखिए उसका वेबसाइट का लिंक है SSVSS संस्था.com, यहाँ पे आप जाके डिटेल देख सकते हो, यहीं पे जाके आपको आपका फॉर्म भी फिलअप करना है। मैं आगे आपको डिटेल में बताऊँगी कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, नोटिफिकेशन वगैरह देखनी है। ओके, ये देखिए ये एड्रेस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आपको फॉर्म डाउनलोड करके फिल करना है और उस पर पोस्ट करना होगा। श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, न्यू दिल्ली, शॉप नंबर 33, फर्स्ट फ्लोर,
श्री राम स्वरूप कॉम्प्लेक्स पीतमपुरा दिल्ली 110034, इस पे आपको पोस्ट करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। लास्ट डेट है 13 सितंबर 2017। ये देखिए मैंने वेबसाइट लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ये इस पे आप जाओगे तो आपको आपको डिटेल्स वहाँ पे सब आ जाएंगी नोटिफिकेशन की। पहले हम देख लेते हैं कि हमें वेबसाइट पर जाके कैसे नोटिफिकेशन देखनी है, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम फॉर्म फिलअप करेंगे। ओके, ये देखिए मैंने जो आपको वेबसाइट लिंक दी है, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जॉब डिटेल लिखा हुआ है, मार्क किया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, ये देखिए ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे सारे पोस्ट दिए हुए हैं, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पर क्लिक कीजिए और उसके नोटिफिकेशंस जो भी डिटेल्स है उस पोस्ट के बारे में वो पढ़ लीजिए। ओके, देन फिर से आपको उसी साइड पे आना होगा और फिर देखिए यहाँ पे ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, फिर आपको उसका प्रिंटआउट निकाल के फॉर्म फिलअप करना है। अभी हम आगे देखते हैं इन डिटेल कैसे हमें फॉर्म फिलअप करना है। ओके, मैंने वैसे आपको लिंक दे दिया है डायरेक्ट लिंक कि फॉर्म डाउनलोड करने का, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से आप नोटिफिकेशंस पढ़ सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक दिया है फॉर्म डाउनलोड करने का, तो आपको पहले इस पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। ये देखिए फॉर्म आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कॉर्नर में बॉक्स है, वहाँ पे आपको आपकी फ़ोटोग्राफ पेस्ट करनी होगी। देन पहला है आपको किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका आपको नाम लिखना होगा। देन आपका एप्लीकेंट का नाम लिखना है हिंदी में, सब यहाँ पे हिंदी में आपको फिलअप करना है। देन फादर या हस्बैंड का नाम आपको फिलअप करना है। देन मदर का नाम, जेंडर, आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिला, तहसील, ग्राम, पिन कोड, वो सब आपको फिलअप करना है। नज़दीकी सरकारी स्कूल कौन सी है आपके वो लिखना है। आधार कार्ड नंबर लिखना है। देन आप हैंडीकैप कैटेगरी में आते हो कि नहीं वो लिखना है। आप पूर्व भूतपूर्व सैनिक थे पास्ट में, तो जो भी आपका रहेगा उसके हिसाब से हाँ या ना पे टिक कीजिए। मैरिड हो अनमैरिड हो वो टिक कीजिए। नेशनलिटी भारतीय है वो उस पर टिक कीजिए। देन ये क्वालिफिकेशन आ गया आपका, क्वालिफिकेशन आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए सब पोस्ट के हिसाब से उन्होंने क्वालिफिकेशन दी हुई है, जो आपका क्वालिफिकेशन है उसके सामने आप डिटेल फिलअप कर दीजिए। जैसे कि 10, 12 ग्रेजुएट जो भी है, तो आपने कौन से बोर्ड से यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है, कौन से ईयर में पास आउट किया है, परसेंटेज वगैरह सब आपको डिटेल देनी है। देन बस यहाँ पे आपको डेट, प्लेस और सिग्नेचर आपको करना होगा, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। या आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर प्रिंटआउट ले लीजिए, देन उसको खुद भर लीजिए और फिर आपको पोस्ट करना है। कैसे पोस्ट करेंगे, ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट या किसी कुरियर से आप कर सकते हो, ये वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। ओके, और जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको इसके साथ दो फोटोग्राफ आपको देनी होगी, एक तो आपको फॉर्म पर चिपकानी है, दूसरी उसके साथ आपको फॉर्म के साथ देनी है। ओके, देन उसके बाद में इसमें जो आप एप्लीकेशन फ़ी दोगे वो भी आपको डिमांड ड्राफ्ट या फिर कैश या फिर कोई चेक रहेगा तो वो आपको एप्लीकेशन के साथ देना होगा। और ये जो इसमें दिया हुआ है कि किस पोस्ट से आपको देना है वो आप देख लीजिए और उसी से, ये एड्रेस मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ तो उस एड्रेस पे आप इसे सेंड कर दीजिए। इसका लास्ट डेट आप मैंने आपको बताया हुआ है 13 सितंबर 2017 है, तो टाइम से पहले आप उसे अप्लाई कर दीजिए, भेज दीजिए और 1 मंथ के बाद में उसका जो भी है अपडेट वेबसाइट पे आ जाएगा तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऐसे सारे सब चीज़ें डिटेल्स में बता दी है, फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, पूछिए। एंड कोई आपके फ्रेंड्स है उनके अगर क्वालिफिकेशन मैच होती है तो आप ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करोगे आप तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, सारी अपडेट्स मिलती रहेगी अप टू डेट। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, ऑल द बेस्ट।